हेलो दोस्तों, डीटॉक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो HDFC क्रेडिट कार्ड के रिवर्स पॉइंट को आप कैसे क्लेम करेंगे, बिना अकाउंट के कैसे आप क्लेम करेंगे, कितना रिवर्स पॉइंट पर आपको कितना पैसा मिलने वाला है, वो सब कुछ इस डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने गूगल बार पे जाना है। गूगल बार पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे सर्च करना है HDFC फॉर्म सेंटर। या आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद में यहाँ पे HDFC की साइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया HDFC फॉर्म सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक है HDFC.com पर्सनल, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे HDFC का ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये HDFC क्रेडिट कार्ड नीचे ऑप्शन देख सकते हैं आप 5th नंबर पर, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में एक सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा कैशबैक रिडीम, सबसे लास्ट के सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं आप कैशबैक रिडीम, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म डाउनलोड के लिए पूछा जाएगा, तो उस पर आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में इस फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद में आपको अपने लास्ट बिल के स्टेटमेंट को देखना है, उसमें कितना आपका रिवार्ड्स पॉइंट है। मिनिमम आपको 2500 रिवार्ड्स पॉइंट चाहिएंगे क्लेम करने के लिए, उससे ज़्यादा कितना भी आप क्लेम कर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को ओपन करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या इसमें फिल करना है। जैसे मैंने ये फॉर्म डाउनलोड किया, इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद में आपको दोस्तों आपको इसमें इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करना है। इसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर में नाम दे रखा है कार्ड होल्डर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में आप नीचे आपको कौन सा आपका कार्ड है उसके सामने वाले बॉक्स में आपको कितना रिवर्स पॉइंट आपको क्लेम करना है उतना रिवर्स पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद में अगले बॉक्स में आपको अपने कार्ड के नंबर लिखना है। कार्ड के नंबर लिखने के बाद में नीचे ऑप्शन दे रखा है एक सिग्नेचर का, उसको आपको सिग्नेचर करना है। इसके अलावा डेट दी है, उस पर डेट को आपको डेट लिखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिवर्स पॉइंट का आपको मिलेगा 0.20, यानी कि 1000 पॉइंट पे 200 रुपये। मिनिमम आप 2500 रिवर्स पॉइंट क्लेम कर सकते हैं, तो आपको लास्ट आपका स्टेटमेंट पहले चेक करना है। 2500 रिवर्स पॉइंट होंगे तभी आप क्लेम कर पाएंगे, इससे ज़्यादा जितना भी होगा आप क्लेम कर सकते हैं। इसे फिल करने के बाद में दोस्तों आपको अपने जहाँ भी आपके पास में HDFC बैंक है वहाँ पर आपको जाना है। बैंक में जाने के बाद में आप दोस्तों वहाँ पे ये फॉर्म देंगे तो वहाँ पे इस टाइप का एक इन्वेलप पे वो एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद में इस फॉर्म को अंदर भरने के बाद में इसे इस एड्रेस पे पोस्ट कर देंगे। मैंने 6 फरवरी को इसको बैंक में सबमिट किया था और 13 फरवरी को मेरा रिवार्ड्स पॉइंट का जो भी पैसा था वो क्लेम हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा लास्ट स्टेटमेंट में निकाल रहा हूँ, 2700 रिवार्ड्स में क्लेम किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट 13/2 को 540 मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए। ये मेरे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में क्रेडिट किए हैं, मेरा कोई HDFC बैंक अकाउंट नहीं है। मेरा अगर HDFC बैंक अकाउंट होता तो मैं डायरेक्ट ऑनलाइन क्लेम कर सकता, मेरा नहीं था इसलिए मैंने ये ऑफलाइन प्रोसेस की है। तो आप भी इस टाइप से प्रोसेस कर सकते हैं ऑफलाइन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।